यामी गौतम ने किया खुलासा, बताया आदित्य धर संग कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी। शादी के 1.5 महीने बाद यामी गौतम ने किया अपना प्यार भरा सफर बयां। वेल 4 जून को यामी गौतम और आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की फोटोज अचानक शेयर कर सभी को चौंका दिया था। यामी ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के निर्देशक आदित्य धर संग 7 फेरे लिए थे। शादी के बाद इन दोनों ने तस्वीरें शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी थी। वेल शादी के 1.5 महीने बाद यामी ने आदित्य धर संग लव स्टोरी को लेकर कुछ बेहद इंटरेस्टिंग बातें बताई है। टाइम्स नाउ के साथ बातचीत के दौरान यामी ने अपनी सीक्रेट वेडिंग की वजह और आदित्य संग लव स्टोरी को लेकर खुलकर बात की है। आइए जानते हैं उनकी लव स्टोरी। साल 2019 में रिलीज आदित्य धर की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में यामी गौतम मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। यामी ने बताया कि उरी फिल्म के प्रमोशन के दौरान आदित्य और उनके बीच बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। यामी ने बताया कि उनका लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार नहीं था, पहले वो एक अच्छे दोस्त थे और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। यामी और आदित्य ने न सिर्फ अपनी शादी को सीक्रेट रखा, उन्होंने अपने डेटिंग लाइफ को भी छुपाया। यहाँ तक कि मीडिया जर्नलिस्ट को भी इनके अफेयर की खबर नहीं थी। ऐसे में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू के दौरान यामी से पूछा गया कि वो और आदित्य अपने रिश्ते को गुप्त रखने में कैसे कामयाब हुए। इसका जवाब देते हुए यामी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि जर्नलिस्ट भी हैरान है। कई जर्नलिस्ट के मेरे पास मैसेज आए कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। मुझे लगता है कि हम बहुत लकी है, हम बहुत ही प्राइवेट लोग हैं और प्राइवेसी को अहमियत देते हैं। हम ऐसे नहीं हैं जो बाहर आउटिंग पर जाते हो या वो सब चीज़ें करते हो। चलिए, लोगों को इनके अफेयर की भनक नहीं लगी, लेकिन क्या इंडस्ट्री में उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता था। वेल, इसे लेकर यामी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने रिपोर्टेडली बताया, मैं अपने दोस्तों की बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनकी इज्जत करती हूँ, हमारे दोस्तों ने हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखा। यामी ने आगे कहा, जब आप दोनों कंफर्टेबल हो तभी इसे लोगों और मीडिया के साथ शेयर करना अच्छा होता है। किसी के लिए किसी भी तरह का दबाव या किसी भी तरह की मिसाल नहीं होनी चाहिए, ओह देखो वो तो खुद को इस तरह से कैरी करते हैं, या ये ऐसा होना चाहिए। आपको खुद तय करना है कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या आपको खुश करता है, और यही हमें खुश करता है। यामी ने बताया कि उन्हें और आदित्य को शादी के बाद साथ वक्त बिताने का बहुत ही कम मौका मिला है, पर दोनों खुश हैं और फिलहाल अपने अपने कमिटमेंट्स में बिजी है। यामी ने फिल्म लॉस्ट की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म की शूटिंग शुरू करने की घोषणा की। रिपोर्टेडली यामी से पूछा गया कि उन्हें कब पता चला कि आदित्य ही उनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं। इस पर यामी ने कहा कि वो इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यामी ने रिपोर्टेडली कहा कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी पसंद एक जैसी हो, लेकिन वैल्यू सिस्टम एक जैसा होना चाहिए। प्रोफेशनल होने के साथ वो एक अच्छे इंसान है, उनकी मैं काफी इज्जत करती हूँ। तो 4 जून को जब दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आई, फैंस बस फोटोज को निहारते रह गए। सभी ने कहा, मैच मेड इन हेवन। अक्सर बी टाउन में एक्टर्स के अफेयर्स, शादी और ब्रेकअप की खबरें आग की तरह फैल जाती है, लेकिन यामी और आदित्य अपने अफेयर को छुपाने में सफल रहे। इनकी जोड़ी आपको पसंद है या नहीं, पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।